हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज साढ़े को एक एक्टिविटी है, ठीक है ना। एक्टिविटी में क्या बच्चे, एक्टिविटी करने से पहले ठीक है, आज हमने स्टार्ट करनी है डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। की स्टार्ट करना है डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस। क्वेश्चन डिसप्लेसमेंट रिएक्शन होता आप बाद में डिस्कस करेंगे, सब तो पहला देख लो एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी के बाद आप चीज़ स्टडी करते हैं, ठीक है। कहता टेक थ्री आयरन नेल्स, तीन आयरन नेल्स लाइया, ठीक है ना। क्लीन दैम बाय रविंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर होंगे पंजाबी विच उन्हें रेक मार बोलते हैं। सैंड पेपर दे नाल उन्होंने बिल्कुल साफ कर लिया, ओके। फिर की किया, टेक टू टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एस ए एंड बी, दो टेस्ट ट्यूबा लाइया, एक नू ए नाम देता, दूसरी नू क्या नाम देता, बी, ठीक है। उन्होंने विच की किया, ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट, हरेक दे विच की पाता 10 ml कॉपर सल्फेट पाता, ठीक है। कहिंदा टाई द टू आयरन नेल्स विद थ्रैड, जिहड़ी आयरन नेल्स की उन्हों थ्रैड दे नाल बन लिया, ठीक है। बनन तो बाद की किया गया, कहिंदा टाई द टू आयरन नेल्स विद थ्रैड एंड इमर्स दैम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स, ठीक है। कीप, ठीक है। उहदे विच कीता हुण देखो, तीन उह लईआं सीगीआं नेल्स, उहनां दे विचों जिहड़ीआं दो स्टार्टिंग दे विच की लईआं, तीन आयरन नेल्स लईआं, उन्होंने सैंड पेपर दे नाल रब किया। रब करन तो बाद की किया गया, उन्होंने एक दो टेस्ट ट्यूब ले लिया, एक नू ए लिखता एक नू बी लिखता, ठीक है। दोनों दे विच 10 ml का दा सल्यूशन पाता कॉपर सल्फेट का, वो जिहड़ियां तीन आयरन नेल सीगियां, उन्हां दे विचों तीन आयरन नेल सी, उन्हां दे विचों जिहड़ियां दो आयरन नेल्स आ उन्हां नू एक धागे दे नाल बन्ने आ, ते जिहड़ा 10 ml कॉपर सल्फेट सल्यूशन सीगा उहदे विच चंगी तरह डिप कर दिता, इमर्स कर दिता, ठीक है। 20 मिनट्स लिए इन्हों रखा गया, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स, 20 मिनट के बाद जड़िया ये आयरन नेल सी बहर कढ़ लिया गई। बहर कढ़न के बाद की किया, कहिंदा कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब ए ते बी, जड़िया दोनों टेस्ट ट्यूब सीगियाँ, मतलब कि उन्हां दी इंटेंसिटी चेक की गई। देखो की किया गया, एक बार फिर सामने लो, ए टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इहदा किहड़ा कलर सीगा, तां ब्लू कलर सीगा, इहदे विच दो आयरन नेल्स धागे नाल बन के रख दित्तियां, ठीक है, जिद्दां बुक दे विच बणियां होईआं, वधिया तुसीं उही याद रखणी, दो डिप कर दित्तियां। एक टेस्ट ट्यूब आ उहदे विच कुछ नहीं रखिआ, उह सिंपल सल्यूशन आ। उहदे बाद विच आपां चेक करना कि होया की, ठीक है। उहदे लई अगले पेज ते देख लो, आ चीज़ बनाई हुई है। कहिंदा कि जिहड़ी ए टेस्ट ट्यूब सी कॉपर सल्फेट सल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब ए, वह ब्लू द ब्लू ही रहा, बट जिहड़ी साडे कोल टेस्ट ट्यूब बी सी उहदे विच की होया, उहदा कलर चेंज हो गया, ठीक है। उहदा कलर की हो गया, चेंज हो गया। जिहड़ी आयरन नेल आपां बाहर रखी हुई सी वह उदां दी ही आ, बट जिहड़ी आयरन नेल आपां ए वाले कॉपर सल्फेट सल्यूशन दे विचों कढ़ी, ए वाले कॉपर सल्फेट सल्यूशन दे विचों कढ़ी, उहदा कलर किस तरह का हो गया, उहदा कलर इस तरह का हो गया। की लिखिआ, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सल्यूशन, ठीक है। ते हुण तुसीं इहदे विच ऑबजर्व की कीता कि स्टार्टिंग दे विच जिहड़ी टेस्ट ट्यूब से उहदा कलर किदां दा सीगा, ब्लू सीगा, बट जदों आपां उहदे विच आयरन नेल्स रख दित्तियां ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਫੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਆਇਰਨ ਸੋਲਿਡ ਫੋਰਮ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਇਰਨ ਦੀ ਨੇਲ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਕੋਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, CuSO4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕੀਤਾ।
कॉपर सल्फेट दे विच डिप करन तो बाद विच जेड़ा आयरन सेगा आयरन दा आयरन तो बन गया आयरन सल्फेट ते कॉपर सल्फेट तो कॉपर बन गया। ठीक है हुण देखो तुसी इहदे विच मतलब ए रिएक्शन हो गए बेसिकली उहदा कलर फेड क्यों हो गया क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट नाल रिएक्ट करके उहने आयरन सल्फेट बनाता ते कॉपर सॉलिड बन गया बेसिकली ए जड़ी सी ये उत्ते कॉपर जम गया। ठीक है ये चीज़ हुई है ये जड़ा कॉपर सगा वो ये जम गया तो जड़ा आयरन सगा वह सल्यूशन दे बिच चला गया ये चीज़ हुई है। ठीक है एक्टिविटी की मैं तुम्हें तो वीडियो भी सेंड कर दूंगा जी एक्चुअल दे बिच प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना केमिस्ट्री लैब दे बिच हुण देखो इनू ध्यान नाल समझना सल्फेट ग्रुप दे नाल केड़ी चीज़ लगी हुई है कॉपर ते इस स्टेप दे विच की होया जेड़ा आयरन आ इन्हें उन्हूं धक्का दे के उदी जगह आप बैठ गया कॉपर बेचारा इकला रह गया होया कि आयरन ने कॉपर नूं धक्का दिता उन्हूं परे कर दिता ते उदी जगह आप बैठ गया। ठीक है ते मतलब आयरन उन्हूं धक्का दे रहा उन्हूं डिसप्लेस कर रहा। ठीक है तां करके ये रिएक्शनस नूं आपां क्या बोलते हैं डिसप्लेसमेंट रिएक्शन ये रिएक्शन का नाम क्या है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ये वाली देख लैनी है। ठीक है ये बाद च एक दो एग्जाम्पल्स होर है। ठीक है उन्हें आ भी लिखी हुई है थ्यूरी देख लो की लिखी हुई इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिसप्लेस्ड और रिमूव्ड अदर एलीमेंट कॉपर आयरन ने कॉपर नू रिमूव करके उसकी जगह आप बैठ गया। ठीक है तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बड़ी सिंपल जी है तो बेटा आप हूँ केड़ी मैटल केनू डिसप्लेस करती पई है आप पढ़ांगे मैटल्स दी रिएक्टिविटी सीरीज होंगी है। ठीक है ना थर्ड चैप्टर दे विच फिलहाल लई तुसी इहदे विच दो तीन रिएक्शनस याद रख लेनी है ये जिहड़ी चीज़ आप समझनी है वो यही है कि डिसप्लेसमेंट रिएक्शन की होंगी है। एक्टिविटी के बाद विच मेरे अकॉर्डिंग तुहानू पता लग गया होना कि डिसप्लेसमेंट रिएक्शन की है तो दैन सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिसप्लेसमेंट रिएक्शन साढ़े को जिंक सेगा जिंक नू आपां सॉलिड नू डिप किया कॉपर सल्फेट दे विच ए भी कॉपर नू धक्का दे के परे कर दिता तो कॉपर की जगह आप बैठ गया जो कॉपर की जगह आप बैठ के की बन जाना साडा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है अगली रिएक्शन आ साडे कोल लैड आ लैड सॉलिड फॉर्म दे विच ये की करता पिया लैड ने कॉपर नू धक्का दिता। ठीक है उसकी जगह आप बैठ के की बन गया लैड क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है इस तरह तुसी अज दे लई जिहड़ी डिसप्लेसमेंट रिएक्शन आ इहनू समझ लैना चंगी तरह ओके तो यदि जी हूँ आप बेसिकली यू डिसप्लेस क्यों करूँगा थोड़ी एक चीज़ समझ लो कि जड़िया मैटल्स इनू डिसप्लेस उ कर सकती हैं जड़िया एक कंपेरिजन ज़्यादा रिएक्टिव होनगियाँ जिदा उन्हें लिखा ना जिंक एंड लैड आर मोर रिएक्टिव एलीमेंट दैन कॉपर दे डिसप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। हुण देखो इत्थे रिएक्टिव मीनस एक्टिव बच्चा इत्थे एक सुस्त जिहा बच्चा बैठा हुआ आ चलाक बच्चा है इन्हें की किया इन्हें धक्का दिता उन्हें परे कर दिता उसकी जगह आप बैठ गया वह बेचारा कला रह गया। ठीक है ना जिहड़ा अगे वाला मैटल आ रिएक्टिव होना चाहिए जे रिएक्टिव होगा ये कंपेरिजन दे विच जे रिएक्टिव होगा तो इन्हें डिसप्लेस कर दोगा अदरवाइज डिसप्लेसमेंट नहीं होनी ओके। ठीक है बेटा ये भी तुहानू मैं दस ही दिना हुण देखो आ जड़ी जिहड़ियां मैटल्स उपर आ उपर मोस्ट रिएक्टिव मैटल्स आ नीचे लीस्ट रिएक्टिव मैटल्स आ मतलब कि उत्तर उपर वाली जिहड़ियां मैटल्स आ वो एक्टिव आ एक्टिव बच्चे आ। ठीक है नीचे वाले सुस्त बच्चे आ ये जिहड़ियां उपर वाली जे आपां उपर वाली अपने तो नीचे वाले नूं धक्का दे के उहदी पोजिशन लै सकदियां आ। ठीक है जिहड़ियां उपर वाली मैटल्स आ उहनां दी की कैपेबिलिटी आ वह नीचे वाले नूं धक्का दे के उहदी जगह आप लै सकदियां। ठीक है इहनूं याद किदां रखना इनू इस तरह याद रख सकते हैं कल्लू नाथ का मैनेजर आलू जरा फीके पकाता है इनू शाप बोल दिया लास्ट के एक होर एलीमेंट हों प्लैटीनम। ठीक है तो इनू याद रखना सी एच ए पी शाप। ठीक है
इस तरह इन्हें तुसी याद रख सकते हैं, कल्लू नाथ का मैनेजर आलू जरा फीके पकाता है, शाप CHAAP। ये बेसिकली जिहड़ी दिनेश दी बुक दे विच करनी है, वो थोड़ी लंबी है, उन्हूं मैं तुहानूं होर मैथड दसूंगा जिहदे नाल तुसी उन्हूं याद रख सकते हैं। ठीक है, हुण देखो जिदा कॉपर सीगा, कॉपर नूं जिंक ने डिसप्लेस कर दिता क्योंकि जिंक उहदे तों उपर सी, उहनूं धक्का दे के परे कर दिता। कॉपर नूं आयरन ने डिसप्लेस कर दिता क्योंकि आयरन उपर सी, उहनूं धक्का दे के परे कर दिता। इस तरह तुसी इहनूं याद रख लैणा है। ठीक है, ते अज लई डिसप्लेसमेंट रिएक्शन चंगी तरह कर लियो, बाकी आपां कल करांगे। ओके बच्चे।